वार्ड नंबर 64 मोहल्ला चकसा हुसैन में व्याप्त साफ सफाई की समस्याओं को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बैनर तले स्थानीय लोगों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान चकसा हुसैन के नागरिकों ने नारेबाजी भी की। इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रमजान का महीना करीब है, ऐसे में मोहल्ले की साफ सफाई की व्यवस्था काफी खराब है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर वह पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा अब तक समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमेटी के शाकिर अली सलमानी ने कहा, मस्जिद पर नमाज कैसे होगी? नगर आयुक्त होश में आओ, अहमदनगर का विकास कराओ, अहमदनगर का विकास कराओ। नूरी जामा मस्जिद पर नमाज कैसे होगी? नूरी जामा मस्जिद पर नमाज कैसे होगी? अहमदनगर का विकास करो। रमजान से आने से पहले पहले नाले का निर्माण करो। मेयर गोरखपुर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नूरी जामा मस्जिद पर नमाज कैसे होगी? विकास होगी, सब होगी। नूरी जामा मस्जिद पर नाले का पानी लगा है, नूरी जामा मस्जिद पर नाले का पानी लगा है, कैसे नमाज होगी? पूरा गोरो पूरी करो, पूरी करो। मेरी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अहमदनगर का विकास कराओ, विकास कराओ, विकास कराओ। हमारा नाम शाकिर अली सलमानी, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी का संरक्षक। ये बताइए, किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या दिक्कत है आप लोग को आज यहाँ प्रदर्शन? हमारे अहमदनगर चकसा हुसैन वार्ड नंबर 64, जो गोरखनाथ मंदिर कार्यालय के बगल का बहुत बड़ा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने की वजह से 8 मस्जिदें हैं, अकबरी जामा मस्जिद, नूरी जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर नाले का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में जा रहा है और मुसलमान नूरी जामा मस्जिद तक नमाज पढ़ने जाने में, अकबरी जामा मस्जिद तक जाने में असमर्थ है, नापाक हो जाता। ऐसे में रमजान में एक हफ्ता बाकी है, तरावी की नमाज होगी, अगर जो इस मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में नगर आयुक्त, मेयर और डीएम ने दौरा नहीं किया और हम मुसलमानों को मस्जिद में, नूरी जामा मस्जिद में नमाज के लिए जो नाले के पानी से गुजरना हो रहा है, अगर जो जल निकासी के लिए नाले का नव निर्माण नहीं कराया, तो चकसा हुसैन, अहमदनगर, नूरी मस्जिद के मुसलमान गोरखनाथ मंदिर के सनसन करेंगे। ये बताइए, इसके पहले भी आप लोग आए थे यहाँ शिकायत दर्ज कराने? या पहले इसके पहले हम लोग डीएम साहब को आज के 20 दिन पहले दिए एप्लीकेशन, नगर आयुक्त को दिए, मेयर को दिए, गोरखनाथ मंदिर के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय पे दिए, कोई रिस्पांस नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जो है ये साइलेंट जोन के अंतर्गत आता है, यहाँ पर प्रदर्शन करना मना है, क्या आपको पता है? उसके बावजूद आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? ये बात हमें मालूम है, मगर हम मुसलमान नूरी मस्जिद के जब तड़प गए हैं, परेशान हो गए, तब आए हैं। प्रशासन चाहे तो धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकती है हम मुसलमानों के खिलाफ, जो अहमदनगर नूरी जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पा रहे नाले के पानी।